जब हम जॉब स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसमें इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अब हर महीने अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और लाइफ में क्या ही चाहिए बट द रूल ऑफ लाइफ इज कि जब भी आप कंफर्टेबल हो जाते हो तभी आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है एंड रिसेंटली हमारी आंखों के सामने ही ऐसी चीजें हुई है जिससे पता चलता है नथिंग इन लाइफ इज सर्टन हमने देखा ही है की रिसेशन की वजह से अपनी जॉब से कितने लोग ले ऑफ हो गए और चैट जीपीटी और ए के आने से कैसे अपनी जॉब पे खतरा मंडरा रहा है हाफ ऑफ दंपनी चैट जीपी up Priya Biswas jumps from the fourth floor of a building over lack of employment. And now thousands of workers, learning they have lost their jobs, big tech companies like Meta, Google, and Amazon have been laying off a staggering amount of workers. तो ऐसे टाइम पे खुद को अपस्किल करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो आपको पता है कि क्या हो सकता है इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे स्किल्स बताना चाहता हूं जो कि डेवलप करने आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं अपनी जॉब में आगे बढ़ते रहने के लिए और ले ऑफ से सर्वाइव करने के लिए कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में सो लेट्स गेट स्टार्टेड पहले बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्किल्स की एंड फर्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ए पिछले दो तीन महीने में जो ए का बूम हुआ है चैट जीबीटी के आने से डेल ई मिड जर्नी ये सब चीजों के आने से उसको देख के एकदम क्लियर है कि आने वाला एरा ए का ही है हर कंपनी अब ट्राई करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने का एंड जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन ए को खरीद लिया है जो की चैट जीपी की पेरेंट कंपनी है तो अब न्यूज में आ गया है की गूगल भी अपना चैट निकाल रही है जिसका नाम है बार्ड तो वो भी एक चैट जीपी के टूल बना रहे हैं और अब इन कंपनीज को देख तो के बाकी सब कंपनी सेवन मिलियन न्यू जॉब विल बी क्रिएटेड इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द नेक्स्ट टू ईयर एंड क्योंकि ए आई की अब डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम है क्योंकि मशीन लर्निंग इंजीनियर इतने नहीं होते so तो इसलिए वहां पे सैलरीज भी ज्यादा है <laughs> पैसा ही पैसा होगा सो ए आई इज द फ्यूचर एंड यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्यूचर आपको ए आई को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको भी अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको ए आई रिलेटेड कॉन्सेप्ट को चीजों को सीखना चाहिए ताकि आपको थोड़े बेसिक्स तो पता ही हो एटलीस्ट नेक्स्ट इज वेब थ्री अभी जो हम इंटरनेट यूज करते हैं दैट इज वेब टू पॉइंट ओ एंड अब जो नया इंटरनेट आ रहा है डिसेंट्रलाइज इंटरनेट उसका नाम है वेब थ्री पॉइंट ओ द न्यू इंटरनेट आपने शायद ब्लॉक चेन का नाम तो सुना ही होगा दैट इज ऑल्सो पार्ट 3. अगले दस साल में ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री चाहे वो मीडिया हो चाहे वो एंटरटेनमेंट हो चाहे हेल्थ केयर हो चाहे रिटेल हो चाहे ई कॉमर्स हो सभी वेब थ्री को एडॉप्ट करने ही वाले हैं कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है की ट्वेंटी में ही जो वेब थ्री टेक्नोलॉजी सेक्टर है दैट विल बी वर्थ मोर देन सिक्स

एंड रिपोर्ट बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं डेटा एनालिटिक्स में और आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो या मल्टीपल भी चूज कर सकते हो सो बीइंग प्रोफिशिएंट इन डेटा एनालिटिक्स इज अ ग्रेट वे टू सिक्योर योर करियर एंड फॉर लर्निंग डेटा एनालिटिक्स आई टू यूर ग्रेट कोर्स बाय एडुब्रिज यू कैन टेक एडुब्रिज जॉब गारंटी और मनी बैक एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन डेटा एनालिटिक्स ये हंड्रेड परसेंट ऑनलाइन है और आपको लाइव सेशन कंडक्टेड बाई मास्टर ट्रेनर्स आपको इस कोर्स से गारंटीड जॉब मिलेगी नहीं तो हंड्रेड

जाएंगे आपको इस कोर्स में इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग विद पाइथन भी मिलेगा एंड विल गेट टू बिल्ड प्रोजेक्ट लाइक इमेज ट्रस्फायर चर्निंग इनबॉक्स नॉइज रिमूवल From images along with the capstone project based on the dashboard. And this is the education criteria to enroll in this course. Now let's go back to the video. एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन देखे जो सिस्टम डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर वाली जॉब है वो कहीं भी नहीं जाने वाली वो पहले भी चली आ रही थी और फ्यूचर में भी चलती रहेंगी क्योंकि जो सभी एप्स है सभी वेबसाइट्स है वो सिस्टम आर्किटेक्ट सिस्टम डिजाइन करने वाले लोग ही बनाते हैं चाहे कोई बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई भी बना देगा तो भी उसको होस्ट करने के लिए उतना ट्रैफिक हैंडल करने के लिए तो बैक एंड डेवलपर्स की सिस्टम डिजाइनर्स की सिस्टम आर्किटेक्ट की जरूरत तो रहेगी ही बहुत बहुत क्रिएटिव वेज बहुत इनोवेटिव वेज ढूंढने पड़ते हैं सिस्टम्स को स्केल करने के लिए सो इट्स हाईली अनलाइकली की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही शायद ये सब कुछ कर देगा इसके चांसेस इतने नहीं है एटलीस्ट फॉर नाउ इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए सो यू शुड वर्क ऑन दैट सिस्टम डिजाइन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है बहुत ही बड़ा टॉपिक है बहुत सारी चीजें हैं उसमें अगर आप अभी सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हो इसमें तो इसके लिए भी मैंने रोड मैप्स बनाए हैं आपको लिंक्स मिल जाएंगे यू कैन चेक देम आउट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिस्टम डिजाइन और आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा और इम्प्लीमेंट करने में तो और भी मजा आएगा Next is strengthen your data structures knowledge. देखो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो चाहे आप के लिए, लिए पार्ट तो डेटा तो पूछा ही जाता है, तो है. क्योंकि इससे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जज करते हैं एंड जब भी हमें जॉब चेंज करनी होती है चाहे आप एस डी वन रोल के लिए देख रहे हो या एस डी टू रोल के लिए देख रहे हो तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर तो आपको ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में पूछा ही जाएगा तो जॉब चेंज करने के लिए आपका ये पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर है और कैसे स्टार्ट करें इसके लिए भी मैंने रोड मैप बनाए हैं यू कैन चेक आउट लिंक आपको मिल जाएंगे एंड मुझे नहीं लगता अगले पांच साल में या दस साल में इंटरव्यूज में से डीएसए को हटा दिया जाएगा बिल्कुल ही डीएसए तो पूछा ही जाएगा मे भी बहुत आगे जाके फ्यूचर में ऐसा होगी डीएसए को बिल्कुल भाव ना दिया जाए बट अभी तो दिया ही जाता है अब तक हमने बात की सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की लेकिन टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपके नॉन टेक्निकल स्किल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट इज रेज्यूमे राइटिंग दिस इज एन अंडर एटेड बट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव आपको अच्छे से रिज्यूमे बनाना आना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही उसमें कम डिटेल्स लिख दी या बहुत ही आपने इंग्लिश अच्छी नहीं लिखी या कुछ डिटेल्स आपने मिसिंग छोड़ दी या आपने बहुत फालतू चीजें उसमें ऐड कर दी जिसकी जरूरत भी नहीं है आपको रिज्यूमे बनाने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेट यूज करना चाहिए और उसका साइज भी एकदम ऑप्टिमल होना चाहिए एंड आपका रिज्यूमे अप टू डेट रहना चाहिए जो भी आप चीजें करते हो अपने ऑफिस में या फिर अपने साइड प्रोजेक्ट जो भी बनाते हो कॉलेज में सब कुछ उसमें होना चाहिए रिज्यूमे शुड डिस्क्राइब यू प्रॉपरली जो भी आपने टेक्नोलॉजी सीखी है जिसमें भी आपने काम किया है वो सब कुछ उसमें हाईलाइटेड रहना चाहिए एंड कुछ भी अगर आपने बनाया है कोई वेबसाइट बनाई है या किसी क्लाइंट के लिए काम किया है जो की पब्लिकली अवेलेबल है तो उसके लिंक्स भी उसमें होने चाहिए ताकि अगर कोई भी कंपनी आपका रिज्यूमे देख रही है तो उसको पता चले कि आपने एग्जैक्टली exactly काम क्या किया था जिससे कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा सेकंड थिंग इज पर्सनल ब्रांडिंग पर्सनल ब्रांडिंग आज की डेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आपका एक पर्सनल ब्रांड होना चाहिए इंटरनेट पे इट्स अ ग्रेट वे टू बी नोटिस बहुत सारे आपके नए कनेक्शन बनेंगे आपका प्रेजेंस होना चाहिए किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे भी हो सकता है लिंक पे भी हो सकता है ट्विटर पे भी हो सकता है लेकिन आपका एक पर्सनल ब्रांड होना चाहिए इससे आप बहुत सारे नए लोगों से कनेक्ट कर सकते हो उनके ओपिनियंस उनके थॉट्स को आप जान सकते हो अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हो आपकी इंडस्ट्री में जो भी लोग आपसे सीनियर होंगे आपके ऊपर होंगे वो भी आपको नोटिस कर सकते हैं आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो आपको चांस मिल सकते है उनकी नॉलेज जानने का नॉलेज शेयर करने का आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है आप एक लॉयल ऑडियंस भी बिल्ड कर सकते हो एंड उससे आप कुछ पैसे भी कमा सकते हो कुछ के आप बहुत पैसे भी कमा सकते हो आपकी इंडस्ट्री में आपकी कनेक्शन दूसरी कंपनी तो कंपनी में अगर कुछ जैसा कुछ हो भी गया देन आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो वो आपके लिए रेफरेंस दे सकते हैं एंड आप इजिली स्विच भी कर सकते हो बट पर्सनल ब्रांडिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल इन दीस डेज थर्ड इज अपस्किल स्किल योर सेल्फ विद लेटेस्ट ट्रेंड्स आप जिस भी इंडस्ट्री में हो आप जिस भी फील्ड में हो आपको उस इंडस्ट्री में क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है आपको अप टू डेट रहना चाहिए हर इंडस्ट्री में कुछ कुछ नई रिसर्च होती रहती है जिससे कि नए नए स्किल्स आपको सीखने पड़ते हैं स्पेशली टेक्नोलॉजी में एंड बाकी जगह भी आपको सोशल मीडिया पे आपके काम के रिलेटेड जो लोग हैं जो पोस्ट करते हैं उसके बारे में उनको फॉलो करना चाहिए उनसे नई चीजें सीखनी चाहिए उन ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे जिनमें स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ आपको बताया होता है तो अगर आपको कोई नया स्किल सीखना है तो आप इजिली सीख सकते हो लाइक like अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको बैक एंड डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए तो उसके लिए आप कोर्सेस ले सकते हो या अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही एक फ्रेमवर्क आपको आता है रिएक्ट अगर आपको आता है देन आप एंगुलर भी सीख सकते हो ताकि आप अच्छे से उनको कंपेयर कर पाओ अगर आप फ्यूचर में कोई कंपनी चेंज करो जिसमें एंगुलर यूज करते हो तो आप इजिली वहां पे काम कर सकते हो एंगुलर में आप इजिली यूज कर सकते हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म लाइक कोर्सेरा यूडेमी कोर्सरास आप वहां से बहुत सारे कोर्सेज सीख सकते हो यूट्यूब पे भी आपको हर चीज के कोर्सेस मिल जाएंगे जहाँ पे आप फ्री में इतनी नॉलेज ले सकते हो तो आप बिल्कुल मत होना एक बार जॉब में आ और सब कुछ सीखते रहना नहीं नेक्स्ट इज नेटवर्किंग आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही नए नए कनेक्शन बनाने चाहिए चाहे वो बड़े लोगों के साथ हो चाहे जूनियर्स के साथ हो क्योंकि हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को तो आपको मिल ही सकता है इसके लिए आप लिंकिन का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो लिंक में जो भी बाकी लोग आपके फील्ड में जो है वो जो पोस्ट डालते हैं आप उनके साथ एंगेज करो आप उनको आप उस उसपे कमेंट डालो आप खुद के थॉट शेयर करो उस पे फ्यूचर में जाके यही कनेक्शन कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे आपके आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही सब लोगों से आपको फ्यूचर में आपकी जो ड्रीम कंपनी है आपका अगर कुछ टारगेट है तो आप उसमें भी जा सकते हो क्यों आप उसमें कनेक्शन आपके बन जाएंगे एंड लिंग पे बहुत लोग जॉब अपडेट डालते रहते हैं अगर कोई कंपनी हायर कर रही है उसके बारे में डालते रहते हैं तो आपको इन सब चीजों से अपटूडेट रहना चाहिए एंड द लास्ट स्किल इज राइटिंग एंड कम्युनिकेशन आपको पता है राइटिंग एक बहुत ही अंडर स्किल है सब लोग अच्छा नहीं लिख पाते हैं मे बी वो अच्छा इंग्लिश लिख लें लेकिन जो वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनका इतना इम्पैक्ट नहीं होता जो वो लिखते हैं और कॉर्पोरेट लाइफ में राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे ई लिखना, लिखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में लोग काम कम करते हैं लेकिन मेल वेल्स भेज के दिखाते जाते हैं तो अगर आपको ये सब चीजें करनी नहीं आती होंगी देन आप पीछे रह जाओगे चाहे काम आप बहुत ज्यादा करो एंड आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना होगा इफ यू वांट टू बी अ लीडर और अ मैनेजर क्योंकि अपना मैसेज कन्वे करना अपने जूनियर्स को अपने रिपोर्टर्स को विदाउट हर्टिंग और विदाउट इज ग्रेट स्किल एंड ऑल्सो आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हो जो भी आप अपने ऑफिस में काम करते हो या आप कुछ भी साइड प्रोजेक्ट्स करते हो आप उसके रिलेटेड आप आर्टिकल्स लिख सकते हो अपनी नॉलेज दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो इससे भी आपके राइटिंग स्किल्स काफी इंप्रूव होंगे एंड आपको ऑडियंस भी मिलेगी जिससे आप और नए कनेक्शन भी बना सकते हो सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक like कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आपको एडुब्रिज के डेटा एनालिटिक्स कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो मेक श्योर यू चेक इट आउट अटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय सी यू